जिंदगी। जिंदगी एक सफर है और हम सब इसके राही, लेकिन कभी कभी जिंदगी की सड़क पर हमारी चाहतों के पहिए कुछ इस कदर दौड़ने लगते हैं कि हमें अच्छे बुरे का फर्क समझ में नहीं आता, और हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, जिनका इन गलतियों से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं। ऐसी ही एक गलती मेरी जिंदगी की डायरी में एक खौफनाक पन्ने की तरह कैद है। बात उन दिनों की है जब मैं अपने राइडिंग गैंग के साथ लद्दाख से दिल्ली लौट रहा था। This is it, guys. आज रात यहीं रुकते हैं, कल सुबह फ्रेश निकलेंगे। What do you say? But अभी कंटिन्यू करते हैं ना यार, 11 बजे तक हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। Guys, मुझे तुम लोगों से ज्यादा जल्दी है घर पहुंचने की। कल सुबह मेरा बर्थडे है और मैं अपना बर्थडे बाइक राइड करते हुए नहीं निकालना चाहता। वैसे भी दिस इज माई थर्ड राइड टू लद्दाख, 12 घंटे कंटिन्यूस हो चुके हैं, सब लोग थक गए होंगे यार। आज रात यहीं रुकते हैं, कल सुबह निकलेंगे, फ्रेश उठ के निकलेंगे 5 घंटे में अपने अपने घर। सिंपल, what do you say? Let's go, guys. अरे नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या हाल है? बस बढ़िया। चलो देखा नहीं हमने खरीदते हुए। तुझसे मतलब? और वैसे भी ऐसी चीजों को ढूंढने के लिए नजरों की जरूरत होती है। ये कोई मामूली खंजर नहीं है, ये फुरबा है, कोई भी इसे इतनी आसानी से नहीं पा सकता। ठीक है भाई, तू कर, मैं तो चला सोने। अरे भाई ये लाइट क्यों चली गई? ये जनरेटर को भी अभी खराब होना था, ये भी बुढ़ा पड़ गया आजकल। शक है इसको भी कहीं भूत प्रेत तो नहीं लग गया। को क्या हो गया? अरे यार बुढ़ा मशीन ने तो जीना हराम कर दिया। जंबो, कम बेबी, कम हियर, कम कम बेबी कम, डिड यू मिस मी? कम जंबो, क्या हो गया इसे? जंबो तुम यही रुको, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ओके ना, अंधेरा, सब लोग कहाँ गए? मॉम, डैड, श्रुति, कहाँ गए सब लोग? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर ऋतिक भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। व्हाट द हेल गाइस, यू स्केयर द शिट आउट ऑफ मी। मॉम, हैप्पी बर्थडे माय डियर सन, अब जल्दी से केक काट ले, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी। हैप्पी
ऋतिक बाबा ऋतिक बाबा ये खा विश अगले साल करना। और पता है मैं अभी तेरे गांव से घूम के आया हूँ। और बेटा कैसी रही तुम्हारी रैली? दैट ट्रिप वाज सुपर्ब। पर क्या बेटा? पर मॉम लास्ट नाइट हम लोग जहाँ स्टे कर रहे थे ना वहाँ के केयर टेकर की बड़ी अजीबोगरीब तरीके से डेथ हो गई। पुलिस का कोई? मॉम डोंट वरी, पुलिस वालों ने हमें वहाँ रोका था, थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करी और हमें जाने दिया। वैसे भैया आप गिफ्ट तो लाए होगे ना? वैसली लाए हो। लेके लेके आओ। चलो फटाफट बताता हूँ। जल्दी। अरे वेट बाबा वेट। मेरी क्यूट सिस्टर के लिए क्यूट गिफ्ट, सिंगिंग बाउल तुम्हारे कलेक्शन के लिए। तिब्बतन बेल मॉम आपके लिए। डैड के लिए स्पेशल गिफ्ट है, डैड आपके ऑफिस के लिए तिब्बतन रग। अरे वाह बेटा, तुमने सारे पैसे हमारे गिफ्ट में खर्च कर दिए या अपने लिए भी कुछ लाए? दिखाता हूँ दो मिनट। कहाँ गया? अरे ये लाइट को क्या हो गया? उर्वम ऋत्विक ये क्या है बेटा? मॉम ये तिब्बतन नाइफ है, लोकली इसे पुरबा या वज्र किला भी कहते हैं। ऋत्विक बेटा ये क्या उठपटांग चीजें उठाकर ले आता है? कभी अपने लिए धर्म कर्म की चीजें भी लाया कर। मॉम लाया हूँ, एक सेकंड ना दिखाता हूँ। ये देखो ट्रेडिशनल तिब्बतन स्टोन एमुलेट, ये बुरी शक्तियों से दूर रखता है, मॉनेस्ट्री के एक मॉन्क ने दिया है। भैया ये आर्टिफैक्ट मुझे दे दो, ये ना मेरे काम आएगा। श्रुति नो यार प्लीज। नहीं, अरे वो मेरा है। ऋत्विक ऋत्विक रहने दे बेटा, एक दो दिन में मन भर जाएगा ना तो वापस कर देगी। मॉम आप भी ना हमेशा उसी का साइड लेती हो, दिस इज नॉट फेयर। दौजे मेरे लिए जरा पानी गर्म कर देना। बाबा वो पुरबा कहां से लाया? कहीं से भी ले आओ, तुझे क्या करना है? नहीं मेरा मतलब पूछताछ किया लेने से पहले। डॉर्जे मेरे लिए पानी गर्म कर, उल्टी सीधी बात करता है।
ये हुआ कैसे? सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना, हम पाल हो जाएंगे। कैसे हुआ ये सब? बच्चे नहीं रहे तुम अब, तुम्हारी लाई हुई चीज क्या ले ली इसने? तुमने इसके बाल काट दिए? ये कोई मजाक करने का तरीका है ऋत्विक? मॉम मैंने सब चुप। पेटम, पेटम, हम सब ठीक कर देंगे। चलो पार्लर वाले सब ठीक। ओम बच्चे पानी हाय गिरवाए गरुड़ा हम पर भैया कैसी लग रही हूँ मैं? बताओ ना कैसा लग रहा है मैंने हेयर स्टाइल? श्रुति तुम्हें भी लगता है ये सब मैंने करा है? क्योंकि मॉम को तो हमेशा सारी गलती मुझ में ही नजर आती है। ये लो फ्रूट्स खाओ और अपना दिमाग ठंडा करो। और बचपन में कई बार तू ऐसा कर चुका है। बट मॉम गलती की है तो माननी तो होगी ना। और सुनो अगर भूख लगे तो दौरजी को कह देना, वो खाना गर्म करके दे देगा। श्रुति बेटा मुझे शर्मा आंटी के यहाँ छोड़ दो। ये लो आपका फ्रूट सैलेड। बाय। आखिर श्रुति के बाल काटे किसने? जंबो, क्या हुआ बेबी? क्या कर रहा है यहाँ पे? तो क्या क्यों कर रहा है? बस दौड़जे, क्या हुआ इसे, क्यों भौंक रहा है इतना? बाहर लेके जाओ, जाओ। मैं जानता हूँ जंबो, कभी कभी तुम लोग वो देख लेते हो जो हम नहीं देख पाते। चल जंबो, चल जंबो। गाऊं बेबी? ओम नमो भगवती अप्रति चक्र जगत सम्मोहिनी।
जगत सम्मोहनी जग मनोहरी। ऋतिक बाबा, मुझे मालूम है जंबो को किसने मारा है। किसने मारा है डॉर्जे, पता किसने मारा है? पूर्वा, पूर्वा ने मारा है जंबो को। उसमें शैतानी आत्मा का वास है बाबा, गांव में देखा है मैंने, पूर्वा में शैतानी आत्मा को कैद कर लेते हैं बाबा। देख डॉर्जे, जंबो के जाने की वजह से मैं वैसे ही परेशान, मेरा दिमाग और मत खराब कर। एक खंजर हवा में उड़ के किसी को मार सकता है, जिसमें खुद जान नहीं है वो किसी और की जान कैसे लेगा? शैतानी आत्मा को खत्म करने का सर्वोत्तम समय अमावस्या। आषाढ़ कृष्णा अमावस्या आज है। तू कितना भी शक्तिशाली हो जाए पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा।
दौर्जे कम ऑन गोनू दौर्जे चलो दौर्जे दौर्जे चलो गोनू बाबा गोनू दौर्जे चलो गोनू गोनू अरे बेटा बैठा दो इन्हें दौर्जे बैठो इधर बैठो चुड़ैल डायन क्या कहा डॉक्टर ने कहा है कि किसी सदमे की वजह से दिमाग पे असर पड़ा है कुछ मेडिसिन लिखी है और असाइलम रिकमेंड किया कुछ नहीं है यहाँ पे चुड़ैल दौर्जे डायन दौर्जे दौर्जे कुछ नहीं है दौर्जे चुड़ैल क्या हुआ दौर्जे दौर्जे बेटा दौर्जे को उस कमरे में लेके जाओ दौर्जे कुछ नहीं है यहाँ पे दौर्जे चलो अपने रूम में चलो मुझे तो लगता है कि दौर्जे को मेंटल असाइलम में भेज देना चाहिए नहीं दौर्जे 20 सालों से हमारे साथ है हम उसे असाइलम कैसे भेज सकते हैं आप सही कह रही हो दौर्जे यही रहेगा ओम वज्रपाणि हाय गरुड़ाय ग्रीवाय घंपट ओम वज्रपाणि हाय ग्रीवाय गरुड़ाय 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 ओम वज्रपाणि हाय ग्रीवाय गरुड़ाय घंपट ओम वज्रपाणि हाय ग्रीवाय ना आगो जी रन सुई ना गोन मोरा मुझे पता है तू चुड़ैल है मुझे जाने दे कुछ नहीं है यहाँ पे भैया दौर्जे को क्या हुआ तुम अपने रूम में जाओ मैं देखता हूँ दौर्जे को जी भैया दौर्जे इधर बैठो कुछ नहीं है यहाँ पे अरे काव्या बेटा नमस्ते आंटी कैसी हो मैं सानी सही हूँ आप बताओ आप कैसे हो मैं ठीक हूँ बहुत दिनों बाद आई हो तुम और कैसा चल रहा है तुम्हारा वो थीसिस क्या नाम है आंटी इट्स अप्लाइड स्टडी ऑफ हिस्टोरिकल रिचुअल्स ऑफ इंडिया अच्छा तो तुम्हारी हिस्टोरिकल रिचुअलिज्म में होता क्या है आंटी इसमें पुराने जमाने में देश में जितने भी ट्रेडिशनल रिचुअल्स एंड कस्टम्स है ना उस पर रिसर्च होती है इसमें सब आता है वार त्योहार परंपराएं मान्यताएं जादू टोना भूत प्रेत वगैरह वगैरह अजीब सब्जेक्ट है तुम्हारा तो तुम्हें डर नहीं लगता रिक मॉम डर क्यों लगेगा वो पढ़ रही है भूत प्रेतों के साथ घूम फिर थोड़ा ना रही है ठीक है तुम लोग बातें करो मैं कॉफी लेकर आती हूँ ओके मॉम सो तुम्हारी लद्दाख की बाइक राइड कैसी रही इट वाज सुपर्ब और अगर तुम आती ना तो और मजा आता Of flirting, हाँ? By the way, श्रुति कहाँ है? उसके लिए मैं कुछ लाई हूँ मैं उसको देख के आती हूँ
भक्ति, तुमने तो डरा ही दिया मुझे। कम तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है? नहीं बट कुछ भी तो नहीं हुआ, ठीक तो हूँ। ओए होए मैडम, न्यू हेयर स्टाइल? हाँ श्रुति, मैंने तुझे ये बुद्धा स्टैचू और ये प्रेइंग व्हील कपड़े से ढकने के लिए दिए थे क्या? वो मैं डस्टिंग कर रही थी ना, इसलिए मैंने रखा है, रहने दे। अच्छा सुन, तूने बकू मंगाया था ना? बकू? और ये तिब्बतन न्यूमेरिकल्स, तिब्बतन कल्चर से इतना प्यार। तिब्बत कल्चर के बारे में पढ़ रही थी ना, तो इसलिए इंटरेस्ट आ गया। और वैसे भी मेरी बेस्ट फ्रेंड डीयू में कल्चरल स्टडीज पढ़ रही है, कुछ तो इफेक्ट होगा ही ना? इतना असर भी ठीक नहीं है, तुम्हारे घर वाले सोचेंगे मैं तुम्हें मॉक बना रही हूँ। कॉफी तैयार है, हम तुम लोगों को नीचे बुला रही है। तुम ही चलो। तुम जाओ, मैं आती हूँ। चले दौरजी कहाँ गया है? गाँव गए हैं क्या? यहीं पे बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से। तबीयत नहीं, उसका दिमाग खराब, पता नहीं गोनमो गोनमो करके क्या बड़बड़ाता रहता है। गोनमो? आंटी जंबू भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया? भार भी नहीं दिखा। वो मर गया। क्या? पर कैसे आंटी? पता नहीं बेटा, जो चला गया सो चला गया, उसे याद करके क्या फायदा। श्रुति, ये क्या पहना है तुमने? ये बकू है, ट्रेडिशनल टिबेटन आउटफिट। डोंट ओवर रिएक्ट सो मच। मोमोज श्रुति, तू कब से ये खाने लगी? हाँ बेटा, लद्दाख ये घूम कर आया और सारे रंग ढंग इसे चढ़ गए। एक दिन में चार चार प्लेट मोमोज साफ कर जाती है। बेटा लो ना। मॉम मुझे भी पेस्ट्री चाहिए। लो ना बेटा। क्या हुआ काव्या? डिनर के समय से देख रहा हूँ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखो ऋत्विक, मुझे गलत मत समझना, पर मुझे लगता है तुम्हारे घर पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मतलब? मतलब कैसे समझाऊं तुम्हें? तुमने नोटिस नहीं किया क्या? श्रुति बदल रही है। उसका मुझसे तिब्बतन बकू मंगवाना, मोमोज खाना और जम्बो जम्बो का मरना और दौरजी का पागल होना, you know these things are not normal। Come on काव्या, घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे श्रुति का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है ऋत्विक, दीवारों पे तिब्बतन न्यूमेरिकल इतनी सफाई से लिखना और सेक्रेट चीजों का छुपा के रखना, और वो फुरबा? वो फुरबा एक आर्टिफैक्ट है और उसे मैं लाया हूँ लद्दाख से। देखो ऋत्विक, मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा है, वो कोई नॉर्मल फुरबा नहीं है। मुझे लगता है ये
तुम्हारे घर में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसका सीधा कनेक्शन उस खंजर से है। तुम्हें क्या लगता है, तुम मेरी बहन के बारे में कुछ भी बोलोगी और मैं? इट्स ऑल बुलशिट काव्या। अब कैसे समझाऊं तुम्हें, काश तुम सच्चाई खुद अपनी आंखों से देख पाते। अब पता नहीं अगली जान किसकी जाएगी। जंबो, भैया ये आर्टिफैक्ट मुझे दे दो, ये ना मेरे काम आएगा। मुर्बा कहाँ से लाया? पूछताछ किया लेने से पहले? मेरे पास ये क्या? मुर्बा, मुर्बा ने मारा जंबो को। दीदी वहाँ, गोनो, गोनो। अजय कुछ नहीं है यहाँ पे। गोनो। अब पता नहीं अगली जान किसकी जाएगी। डॉर्जे, खुद श्रुति, काव्या, रितिक क्या हुआ? काव्या, काव्या, दौर्जे। क्या हुआ दौर्जे को? काव्या, you were right. There is really something wrong with Shruti. काव्या, काव्या, please help me. मैं बहुत परेशान हूँ. तू भी मेरी मदद कर सकती हो काव्या? Relax, calm down रितिक, don't worry. मैं एक मॉम को जानती हूँ जो टिबेटियन कल्चर की रिसर्च में मेरी हेल्प कर रहे हैं. तुम टिबेटियन रिफ्यूजी कॉलोनी जानते हो ना? वहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, वही वो रहते हैं. तुम एक काम करो, तुम वहीं पर मिलो, मैं वहीं आती हूँ. ओके काव्या. ये पुरबा मुझे मॉन्क ने लद्दाख ट्रिप में दिया था. ये पुरबा? ये कोई मॉन्क ऐसे कैसे दे सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो ऋत्विक, सच सच बताओ. मुझे ये पुरबा बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में मिला था. देखते ही इसे मैं खरीदना चाहता था, लेकिन मॉन्क ने मना कर दिया था. तो उस रात मैंने
चुरा लिया। तुम नहीं जानते ऋत्विक, तुमने इसे चुराकर बहुत बड़ा गलती की है। पूर्वा का इस्तेमाल तिब्बतन समाज में काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि बुरी आत्मा को वश में करने के लिए पूर्वा का इस्तेमाल होता है। तिब्बतन भाषा में इसे ई त्वांग कहते हैं। मंत्रों के द्वारा बुरी आत्मा को इस पूर्वा में कैद करके अमावस्या की रात पूरे विधि विधान के साथ इसे जला दिया जाता है। लेकिन जिस पूर्वा में शैतानी आत्मा कैद थी, उसे नष्ट होने से पहले तुमने उसे चुरा लिया। वो आत्मा इस पूर्वा से आजाद हो गई है और ये सिर्फ एक खाली खंजर है। उसने अपने लिए एक शरीर ढूंढ लिया है। क्या हुआ? अभी पापा का मैसेज आया था, वो लोग घर पहुंच गए और मॉम डैड अब फोन नहीं उठा रहे। प्लीज आप मेरी बहन को बचा लीजिए प्लीज। समय कितना हुआ है गुरुजी? 3:30 बजे हैं। 1.5 घंटे में ब्रह्मकाल शुरू होने वाला है। इस समय बुरी आत्मा की शक्तियां निर्बल हो जाती हैं। इससे पहले वो दुष्ट आत्मा किसी और को नुकसान पहुंचाए, हमें यहाँ से जल्द पहुंचना होगा। श्रुति, दर्जे, दर्जे! ओम ब्रजपानी हाय ग्रीवा गरुड़ाम फट। ओम ब्रजपानी हाय ग्रीवा गरुड़ाम फट। ओम ब्रजपानी हाय ग्रीवा गरुड़ाम फट। ओम ब्रजपानी, ओम ब्रजपानी हाय ग्रीवा करुणाम फट। ओम ब्रजपानी, ओम ब्रजपानी, ओम ब्रजपानी, ओम ब्रजपानी हाय ग्रीवा करुणाम फट। ओम ब्रजपानी करुणाम फट। ओम ब्रजपानी करुणाम फट। तुझे जाना होगा इस लड़की का शरीर छोड़ के, ये तेरी दुनिया नहीं है। ओम ब्रजपानी करुणाम फट। 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 आई कहां से और तू है कौन? ओम ब्रजपानी करुणाम फट। दाना, दाना रहा मेरा, मस्से वाली दाना, मस्से वाली दाना, नफरत कर देते ये सब मुझसे, इन्हीं मस्सों की वजह से, कानों में मुझे फेंक के मिलता था, नफरत कर दूँ मैं तुमसे, बच्चे, इन सब ने मुझसे नफरत की, सब डरते थे, सब नफरत करते थे, मैं अपना शरीर छोड़ चुकी थी, लेकिन मैंने अपना बदला लेना बंद नहीं किया। नफरत करती हूँ मैं तुम जैसे लोगों से और तुम लामा से। तुम जैसे एक लामा ने मुझे ये दुआग से इस पूर्वा में कैद कर दिया, लेकिन उससे पहले वो लामा मुझे इस पूर्वा के साथ मेरी आत्मा को नष्ट करता, इस लड़के ने इस पूर्वा को चुरा लिया और फिर दौरजे ने मुझे उसी अमावस्या की रात को इस पूर्वा से आजाद कर दिया। ओम ब्रजपानी करुणाम फट। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, मुझे जो भी मारने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगी। मार डालोगे सबको।
श्रुति, 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 श्रुति बेटा, श्रुति कभी कभी हमारी गलतियों की कीमत हमारे अपनों को चुकानी पड़ती है। गलतियां छोटी हो या बड़ी, वो गलतियां ही तो है। पर आप सावधान रहिएगा, क्योंकि जाने अनजाने में आपसे हुई किसी एक भूल का असर आपके अपनों पर पड़ सकता है।